क्यों? आज 31 जनवरी है और आज हैप्पी बर्थडे है, तो इसमें ये है कि दोस्तों के साथ जा रहे हैं खाना खाने। दोस्तों की तरफ से दावत है अभी, हालांकि किसी को पता नहीं है कि आज मेरी सालगिरह का दिन है, तो जा रहे हैं। बस थोड़ी देर बाद ऑन वे हो जाएंगे। अब देखें कहाँ जाते हैं, लेके फिर वहाँ जाके उन लोगों को बताएंगे कि डियर रेस्टोरेंट आज हमारी बर्थडे थी। डियर रेस्टोरेंट और सब जा रहे हैं वहाँ पे सिटिंग एरिया पे, तो हम भी जा रहे हैं वहाँ पे। सरप्राइज है उनको, तो सरप्राइज देना है कि ये मामला क्या है क्या नहीं है। और बुड्ढे बुड्ढे दोस्त हैं हमारे, कशान भाई हैं, आसिफ भाई भी हैं यहाँ पे मौजूद, और फरहान भाई बुजुर्ग आदमी हमारे, और जकी भाई भी आए हुए हैं। बुजुर्ग नहीं है ये, हमसे ज्यादा जवान है। चलो भाई, फरहान भाई जवान है आज से, इनका नाम जवान फरहान है, फरहान भाई का नाम चेंज हो गया आज से जवान फरहान। और ये आमिर भाई आप तो जानते होंगे, ये अक्सर मेरे व्लॉग्स में आते हैं। साजिद भाई अभी खाना खाए नहीं, घर पे जो खाना खा के आए ना वो निकाल रहे हैं। और ये माशाल्लाह कशान मोटे के नाम से मशहूर हैं ये। और ये हैदर भाई, और ये दिया का मोनोग्राम है हैदर भाई के पुरजोश फरमाइश पे हम यहाँ पे आए हैं। ये कहाँ पर है ये? नेशनल हाईवे पे है, पोर्ट कासिम से आगे गुलशन अजीत की तरफ। और लेकिन यहाँ ठंड इतनी है, बहुत ठंड है। और ऑर्डर देंगे, ये आग भी जल रही है, पूरा माहौल बनाया हुआ है। ये बुजुर्ग आ गए, फरहान भाई बुजुर्ग आ गए ये। और अभी ये जवानी की बात कर रहे थे, इनको शबनम गिरती हुई नजर आ रही है। बोले शबनम गिर रही है। ये हमारे मलीर के तमाम रेंटाकार के ब्रादरान यहाँ बैठे हैं, खाना खाने आए हुए हैं। और ये जगह है दिया रेस्टोरेंट। दिया दिया नहीं दिया, नहीं दिया वो हैदर भाई चले गए, हैदर बोलने चले गए। हैदर भाई गोश्त लेने गए ना हमारे, गोश्त के पास ऐसे टल्ले, ऐसे बिल्ली टल्ली होती है दुकान के बाहर। जैसे गोश्त ही दुकान का बिल्ली टल्ली होती है टल्ले। कौन बिहारी? कौन बिहारी? गाड़ी उन्होंने उसको दी हुई है ना। अच्छा अरसलान, हाँ वो कह रहा मैंने मैसेज ही नहीं सुने, मतलब मैं तो बुकिंग का आया हूँ किसी रोड। और हम जाते हैं जरा आसिफ भाई की तरफ, हैदर भाई और आमिर भाई तो ऐसे आ जाए गोश्त की तरफ, जैसे बिल्ली आती है गोश्त देखने। ये क्या कहानी आ गई यार, तो खरीदना पड़ता है, तो खरीदे ना, परचेस करें, क्या बोल रहे हैं ये? नहीं ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑर्डर दे दें। क्या क्या देना है यहाँ पे ऑर्डर? ये चिकन भी है, चिकन नहीं लेना भाई? चिकन ले, हम चिकन वाले हैं भी नहीं। हाँ ले लो ना। ये गलत वीडियो बन गई, लेकिन लोग खाते हैं, क्या करें। यही खाना है ना, और क्या भाई, यही है। एक दाल करो, एक आसिफ भाई ऑर्डर दे रहे हैं। और लेना है कुछ इसके अलावा जो आपके समझ में? एक कढ़ाई करवा दी और जो है ना दाल करवा दी है, सही है। कुछ इसके अलावा कोई यहाँ का कोई फेमस कुछ है मामला?
स्पेशल स्पेशल स्टीम क्या स्टीम होता है? चावल होते हैं साथ, राइस होते हैं साथ, चावल नहीं। चने वाली दाल प्याने में जो ले लो, हाँ वो एक दाल ऊपर। अच्छा गोश्त कैसा लेना है? खुद निकाल देंगे सही गोश्त। देखो आप खुद निकाल, कितना मिकना गोश्त देखो। अभी ऑर्डर लिख रहे हैं भाई, गोश्त कैसे निकालें? कितना टाइम लगेगा? एक घंटा लगेगा। एक घंटा लगेगा? चलिए बनाए बनाए आप, ठीक है। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर दे के आ रहे हैं। एक घंटा का टाइम दिया उन्होंने कि एक घंटे में हमें मिल जाएगा कढ़ाई, बोलिए। और आमिर भाई ने बोला मैं चने की दाल खाऊंगा, तो यहाँ पे इन्होंने चने की दाल बोल दिए। और यह आमिर भाई की कशान, आमिर भाई का काम यहाँ हो रहा है। साहिल भाई, आमिर भाई का काम यहाँ हो रहा है। और ठंडी इतनी है कि यहाँ पे आग आग जलाई जा रही है। आग का मतलब हीटअप का भी बंदोबस्त है यहाँ पे। हीटअप का बंदोबस्त है। फरहान भाई को कुसुर पुसुर करते हुए कोई शख्स ये नहीं बोल सकता कि भाई खुद मिलती है ना, के पास जाके मिठाई मांगी हो। गाड़ी खुद दे देती है यार, गाड़ी खुद दे दिए तो दे दिए, उन्हें जाके सलाम मार देना गाड़ी के पैसे लेके। गाड़ी खुद दी जाएगी यार, तेज लेकर शाम में आप मेरे प्यारे भाइयों बिल्कुल के माहौल में थी है। ये बहुत अच्छा कि मेरा बूढ़ा बोल लो बोल लो, गलत जगह सारी डिस्कस हो रही है यहाँ पे काम के हवाले से, मिठाइयों पे बात हो रही है। ये आमिर भाई का कहना ये है कि ये मिठाई वाले नहीं है, टिप वाले नहीं है, मिठाई वाले नहीं। गाड़ी ऐसी है, पार्टी खुद देती है, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी तक तो किसी ने नहीं दिए। हाँ परसों दिए थे मुझे 100 रुपए। ले लिए, ले लिए। उसने बोला मावा आएगा। अभी कह रहे हैं कि मैं टिप वाला नहीं हूँ और 100 रुपए ले लिए। अरे भाई उसने मुझे 5000 रुपए गाड़ी के दिए और 100 50 50 के दो नोट और दे दिए। मैंने बोला सही है, 5000 रुपए आ गए, बस रख लिए। तो अभी जो ये खाना जो है ये किसकी तरफ से, ये क्या अमेरिकन सिस्टम है? आमिर भाई इस पर थोड़ा नज़रसानी करें ज़रा। यासी भाई ने रही बोली अल्लाह नाम का खिला रहे हैं। कमेंट्स आ गए होंगे आपके पास? नहीं नहीं, कमेंट्स अभी अदरवाइज देंगे कमेंट्स। हाँ अदरवाइज अमेरिकन सिस्टम है ये सब। हाँ अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम पे गुलामी नामंजूर है लेकिन सिस्टम मंजूर है। और फरहान भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप तो बनाते हुए बहुत प्यारे आदमी हैं और आप इतनी अच्छी जगह हम लोगों को खाना खिलाने के लिए लेकर आए। नहीं नहीं फ्रेंड में मैं लेके नहीं आया, ये हैदर भाई और आमिर भाई लेके आए। एक चीज़ और, जकी भाई को बहुत अच्छी तरह याद होगा। जकी भाई मिठाई नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अगर किसी काम पे गए और भूखा आ गया ना, मेरी हड्डी आती है उधर। वो हमारे हमारे ड्राइवर ही नहीं है, वो हम उससे बात करेंगे अगर वो खाली पेट वापस आ गए। हाँ बस सीधी सी बात ये है, ढंग कर दिया जक्की भाई के काम पे चला गया। शायद आ गई आकर बोलेगा आज तो खाना नहीं खाया मैंने। हाँ। बोलता हूँ भाई तू बेकार भी स्पीड से चला जा, इस फील्ड से चला जा भाई, तेरा काम नहीं इस फील्ड में। उस फील्ड में बगैर दोनों पार्टी खाए ना खाए आप खा लो, कोई पूछता ही नहीं है। आखिर में पूछते हैं चलते टाइम खाना खाया आपने? भाई जिसकी शादी हो रही है सारे वो नहीं पूछते, उनको उसके सारे वाले अगर उनको दूसरी बात की आती भाई मामले में हमारे आमदार भाई रात में 3 बजे ना है। वो मिठाई के बजे बंदा लेटा हुआ है, सो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग रोड में स्टील दबा दी रुक जाएगी। हां चलने का पता है भाई, का शादी हो गया है, सुरार लोगों को पूछने बोल जाते हैं, सरदारों को पूछने बोल जाते हैं, ड्राइवर को पूछेगा बोला आप सलाम करना चाहिए। कोई अगर पूछ रहा है इसका ज़र्फ बहुत बड़ा कि बैठ जो आके कोई एक हाथ नहीं। वैसे ये बात आपने सही की कि पायलट जब आके बोलता है ना कि यार खाना नहीं दिया पार्टी ने, भाई पार्टी ने तो दावत में लगाया क्या? मैंने आपको एक मिसाल सुनाई थी कुछ दिन पहले, हां ड्राइवरों पे। हां क्या बोल गया अभी? क्या सबके सामने मेरा मुंह खुलवा है? नहीं देखिए ऐसे बोलिएगा ढकी छुपी बातों में कि ढकी छुपी वो बात नहीं है। वीडियो बन जाएगी, स्टॉल स्टील करा दूं, स्टील कर दो, एक बंदे ने स्टील कर दो। कौन सा ड्राइवर बोलता है मुझे मिठाई मिली है भाई, मालिक को लाके दे रहा भाई 15% है तुम्हारी अगर मिली है ना, और शुक्र अदा करो अल्लाह। सही बात, मैं तो पायलट से बोलता 100 रुपए मिले वो भी ले लो बॉस। मैं आपको हमारे पास सिलसिला क्या है, हमारे पास क्या पार्टी आएगी किस और काम से आ गए तुम्हारे ड्रामे ने चले बोलता।
ज़ाहिर भाई हैं हमारे, दूर मत जाओ, एक काम तो भेज दिया। डेली की बुनियाद पर उसको बंदे को उठाना था बहुत सारा मादा से, और आगे चार पाँच घंटे जो उसकी ड्यूटी है वो उसने करती, पाँच छः दिन का काम, 4,000 रुपये पर डे में करोड़ा जा रही है। जैसे भाई पहले दिन ये गए होंगे, 3-4 घंटे बाद चले आ रहे हैं वहाँ से, बोला भाई क्या हो गया, तो मैं नसीबा कितने बार आया बॉस को गया, एक आधा उन्होंने चक्कर मारा, बोला आप जाओ भैया तबीयत सही नहीं आप जा सकते। शाम में फिर बुकिंग पे गया, शाम में बुकिंग पे गया, रात में आया तो मैंने सुबह की दिहाड़ी अलग दी और शाम की दिहाड़ी अलग दी, और दिहाड़ियाँ बॉस मैं कड़क देता हूँ ड्राइवर, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर यही हुआ, सुबह गाड़ी लेके निकले, उसने बोला यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ खड़े रहोगे लिहाजा आप चले। मैंने उसको फ़ोन करके बोला बॉस हमारी तो गाड़ी आई थी, क्रेवा बॉस आपके पास से पूरे मेरी ज़रूरत नहीं थी इसलिए आप चले। यानी कि रमादा से गया वापसी आया वो दिहाड़ी अलग थी, शाम वाला ने फिर वो कितने बदल। चौथे या पाँचवें दिन गाड़ी बहुत फ्री हो गई, पार्टी की तरफ पैसे बन गए हमारे 16-17,000 रुपये। अब वो बंदा यार बाहर से कुत्ता खाया कमाया पैसे देने के लिए आए मेरे पास, कहते यार बहुत कुछ दिया भी नहीं, दो दिन तीन दिन साथ चला हूँ, खाने का भी नहीं पूछा, शुक्र अल्लाह करो अल्लाह का यार। अब चार पाँच पाँच घंटे में जा रहा है, 11 बजे चार पाँच घंटे यार पैसे देने के लिए बहुत सी आपके पैसे। ये हमारे जो ड्राइवर भाई है ना हमें चुनिया समझते हैं, अब वो कह रहा है यार मैंने 2,000 रुपये ना ड्राइवर को दिए, 2,000 तो किस चीज़ के दिए आपको। बोले यार मसला ये है कि वो सुबह में आए थे 11-12 बजे, 6-7 बजे वो कह लगे मेरा टाइम पूरा हो गया मैं जा रहा हूँ। मैंने उनको बोला आज मुझे नाजाबाद एक शादी में जाना, मेरे वो दुबारा आया वहाँ से गाड़ी लेकर वापस पहुँचे, कह लगे ये हमारे एक्स्ट्रा चार्जेज है 270 साल का। अब उसने 2,000 रुपये उससे लिए, मुझे लगा नहीं दिए उसने, बोले बहुत उसके तो मुझे पैसे नहीं दिए ये वाले। और अगर गाड़ी शाम में दोबारा जा रही है आप पिंक कॉलेज पर लाते अगर वापस 2,000 रुपये नहीं यार बॉस मेरे थे, मेरा नंबर मिलाया अभी तक वो निकालूंगा रिकॉर्डिंग निकल आएगा यार, तेरी रिकॉर्डिंग निकाल दी थी मैंने वहाँ सब सबूत रखता हूँ। मैंने मोबाइल निकाला कॉल मैंने रिकॉर्डिंग पे ली, मैंने बोला बॉस ये 2,000 रुपये आपने इनसे एक्स्ट्रा लिया, काट दे काट दे यार, किसी ने दे दिए ना अल्लाह का शुक्र अदा करो, कोई नहीं भी देता है जबरदस्ती नहीं कर सकते आप किसी जो फील्ड के लोग नहीं है ना नए आए हुए फील्ड का पता नहीं उनकी बड़बड़ाहट ज्यादा है इसके अंदर, ऐसा ही है। अब तुम्हारे अंदर जो आदत है अपनी दिहाड़ी पे ट्रस्ट करना चाहिए, बुकिंग पे इंटरव्यू सुन लो, हां लो ये अभी वो पिछले साल की अभी दोबारा दोहराई जाएगी है। कौन सी आमिर बताएं दोबारा सुन लो बॉस, वो तुम्हें याद है वो जो S3 में तुम गाड़ियां सजाने गए थे 4-5 हमारी गली है कौन से S3 में नहीं मेरी याद आ गया D4 अगले दिन का काम कट गया हैं, इन्होंने क्या किया कि बहुत मेरी गाड़ी नहीं लगी इसमें, अबे तेरे पड़ोसी ने तुझे काम ही नहीं दिया, रात को उन्होंने बोला हमें कल पता नहीं फिर गाड़ी चाहिए, कल हमें फिर गाड़ी चाहिए, ड्राइवर ने बोला मिल जाएगी भाई कल अगले दिन काम ही हमारे पास नहीं आया, ये रात को ही वहाँ पहुँच गए, बोला कल गाड़ी मैं लाऊंगा। अब नुकसान कहाँ हुआ, चल तूने बोला तेरी गाड़ी चली आती खैर थी, ना हमारी गई ना तेरी गई, कहीं और से ले गया। नहीं नहीं उस दिन बॉस मैं गवाह हूँ, पार्टी ने डबल क्रॉस किया सबको, मुझे वहीं जब ये गाड़ी से आया था वहीं बोला था तुम वेटिंग हो रही है, वेटिंग हो रही है खाना कब तक आएगा, ये बात ये भी चाहे जानता है और आमिर भाई पूछ रहे हैं कि खाना कब तक आएगा, आने वाला है बस आने वाला है, और साजिद भाई जो हैं वो बातों में लगे हैं, जाप भी चप्पल पे गिर रहा है हैदर भाई क्या हुआ, जाप भी चप्पल पे गिरेगा भाई, और हमारे फरहान भाई को बहुत जो है सर्दी लग रही है। हम लोग हैदराबाद गए थे जिसपे काशान ने पार्टी को डायरेक्ट रास्ते में उतार दिया था, बोला पंचर हो गया टायर मेरा, मैंने थोड़ी उतारा था, थोड़ी देर बाद खाना खुलने वाला खाना, माशाल्लाह माशाल्लाह ये बकरे की कढ़ाई
मैं डीसी को बोल दूंगा। और ये कॉल कराई है सामने कौन दिखाए तो लड़कों ने उसका नाम रखा है आईजी मेमन दुकान। और सलाद भी आ गया, रायता भी आ गया, ये तंदूरी रोटी है। और अभी चाय आ चुकी है खाने के बाद, चाय प्याला चाय ब्लॉक के ऊपर आ रहे हैं, पेमेंट आ रही है। आसिफ भाई ने सबसे पहले चाय उठाई, इनको सर्दी लग रही थी। अच्छा साहिद भाई को भी सर्दी लग रही थी। और ये हमारे हैं काशान भाई, इसको मैंने बॉस जीना सिखाया रेंटा कार की फील्ड। पता नहीं कितनी बार गाड़ियां मार के आया, मेरा बड़ा भाई भी है, सब मुझे लाग खिलाफ आ तूने बड़े भाई की जान मारी है बल्ले यार, सीखे बाजी में सीखूंगा कैसे, बाजी में सीखूंगा कैसे। भाई बूम से बूम माल बूम, अपने माला माल रे कोई ना फिक्र अपने, अरे घबराना भूल जाएगा कल अपने हाथों में होंगे इतने करोड़। छोड़ना रे, अरे प्लानिंग वैनिंग हो गई बोरिंग, बोतल खोलिंग दारू पोरिंग समझा क्या। छोड़ना 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 रे, छोड़ना भेजा फोड़ना रे, छोड़ना 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 रे, छोड़ना भेजा। और ये मतलब सब सबके पेट भर गए माशाल्लाह से, और खड़े हो गए हैं सब जाने के लिए कि रात का 3 बज रहा है। और भाई की हैप्पी बर्थडे भी है आज, तो ये लोग विश करेंगे। भाई की तरफ से दावत थी।